वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जी भाई साहब जी, जिहड़ा यात्रा बारे दसो, जिहड़ा आपां यात्रा दे तों पहले भी करी सी कभी? हाँ जी, यात्रा पहला भी असीं कीतियां ने, काफ़ी समय तो पहला करते आ रहे सीगे, पर जो धन धन माता गुजरगुड़ सेवक जत्थे वालों आया वो ये तकरीबन दूसरी यात्रा हैगी है। पहला असीं एक शब्दी पैदल यात्रा की सी गुरद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहब तो गुरद्वारा श्री चमकौर साहब तक। हूँ जो अपना ये यात्रा जो ज्योति स्वरूप 11 को आरंभ कर रहे हो, ये कितने कितने जाना थे, किड़े किड़े स्थानों पर तुम संगत को दर्शन करा रहे हो? जी यात्रा गुरद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहब तो 11/6/2022 सवेरे 4:30 आरंभ हो रही है। इस यात्रा का मेन मनोरथ है श्री गुरु नानक देव जी दे महाराज जी के 553वें प्रकाश पुरब समर्पित यात्रा हैगी है। ये यात्रा सवेरे 4:30 गुरद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहब तो आरंभ होएगी, फिर शाम को गुरद्वारा श्री काशीपुर साहब विखे जाके रुकेगी। इसी तरह ये पड़ाव दर पड़ाव चलती हुई गुरद्वारा श्री काशीपुर साहब तो अगले दिन अमृत वेले आरंभ होकर गुरद्वारा श्री नानकपुरी टांडे तक, फिर उस तो अगले दिन गुरद्वारा श्री नानकपुरी टांडे तो आरंभ हो करके गुरद्वारा श्री रीठा साहब तक पहुँचेगी, और वापसी वेले गुरद्वारा श्री रीठा साहब तो गुरद्वारा श्री नानक माता साहब तक, और गुरद्वारा श्री नानक माता साहब तो गुरद्वारा श्री पौंटा साहब तक होंगी हुई 16 जून में यह गुरद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहब विखे श्री 2:30 बजे करीब समाप्ति हो जाएगी जी। तो ज्योति स्वरूप साहब किन्ने बजे समाप्ति होनी पहुँच? तकरीबन 2:30 बजे तक वापसी आ जावे उम्मीद है, क्योंकि 350 प्राणी जोड़ा है नाल चल रहा यात्रा के 6 से 7 बसा हैं, जिद 2-3 कारा नाल चलन गियाँ। प्रशासन भी बेनती की गई है, प्रशासन वालों का सहयोग मिले, श्रोमणी कमेटी के सहयोग के नाल जी यात्रा हैगी।